हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इतने दिनों के बाद मैं लेकर आई हूँ कि मेकअप वीडियो। तो चलिए, मेकअप वीडियो मैंने बहुत ही सिंपल सा मेकअप वीडियो शेयर किया आपको। ये मैंने डे लुक के लिए ये मैं शेयर करी, इसलिए मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट में मैंने ये मेकअप करके दिखाया है। तो देखिए मैंने कितने ही कम प्रोडक्ट में, अफोर्डेबल चीज़ों में मैंने आपको ये मेकअप करके दिखाया। ये मेकअप आप भी बहुत आसानी से अपने घर पर कर सकते हैं। देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे बताया, बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो करिएगा तो बहुत ही आसानी से आप भी मेकअप कर लोगे। जिसको नहीं भी आता है, बिगनर्स हैं, वो भी मेकअप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने किस तरह से अंडर आइज़ में ऐसे लगाया है। बिल्कुल मेरे टिप्स को अपनाइएगा, बहुत ही ईजी तरीके से मेकअप हो जाएगा। बहुत ही कम टाइम बचा हो तो फिर कैसा मेकअप करना हो ये अब मेरे वीडियो देख कर सकते हो। देखिए मैंने हेयर स्टाइल पहले से करके रखा है और मैंने ये ड्रेस यहाँ पहन लिया। मैंने पीले कलर की साड़ी पहनी है। तो देखिए मैंने पहले अपने चेहरे को ऐसे क्लीन कर लिया, फिर मैंने अपने चेहरे पर प्राइमर लगाया, फिर बस एक बीबी क्रीम लगाया था और मैंने ये लूज़ पाउडर अप्लाई किया है। गर्मियों का सीज़न, इसलिए लूज़ पाउडर मैंने अप्लाई किया। मुझे कॉम्पैक्ट ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं लूज़ पाउडर, फिर मैं आईब्रो को सेट किया और फिर मैं आप करने जा रही हूँ आई शेडो। तो मैंने आई शेडो को पैलेट लिया, पहले मैंने ये रेड कलर का यहाँ अप्लाई किया अपने आईज़ पर। ऐसे देखिए मैंने अपने फिंगर से ही अप्लाई किया। मैंने यहाँ कोई भी ब्लेंडर और क्रीम लगाने के लिए भी यूज़ नहीं किया था, ना ही कोई ब्रश मैंने मेकअप के लिए यूज़ किया है। मैं बस अपने हाथों से कर रही हूँ। हाथों से बहुत इजी और जल्दी से सेट हो जाता है, इसीलिए मैं अपने फिंगर का ही अप्लाई करती हूँ। तो चलिए देखिए मैंने दोनों आईज़ पर ये रेड कलर का ये आई शेडो से ले लिया है। अब मैं यहाँ इसी आई शेडो पैलेट में से ये येलो कलर जो सिमरी में थोड़ा हाईलाइट भी करता है, इसलिए आईज़ के रेड जो मैंने किया उसी के ऊपर मैं थोड़ा सा अप्लाई करने वाली हूँ। अपने फिंगर से ही मैं अप्लाई कर रही हूँ इस तरीके से। दोनों आईज़ पे मैंने ये अप्लाई कर लिया है। तो अब ये हो गया। मैं यहाँ कर रही हूँ आईलाइनर, बहुत ही हल्का सा मीडियम साइज़ में आईलाइनर लगाया है मैंने। यहाँ कोई काजल अप्लाई नहीं किया मैंने, बहुत ही बोला अफोर्डेबल चीज़ों में आपको ये मेकअप मैं करके दिखा रही हूँ। इसीलिए जितनी चीज़ जिसके पास मेकअप के पूरे किट ना हो वो भी मेकअप कर सकते हैं, इसलिए वो मैंने यहाँ दिखाया है कि कितने कम प्रोडक्ट में मैं ये मेकअप करके दिखा रही हूँ। तो ये मैंने आईलाइनर लगा लिया है यहाँ पे, ऐसे थोड़ी सी नोक आगे कर ली है मैंने, हल्का सा किया है, ज़्यादा नहीं किया है। तो अब मैं यहाँ करने वाली हूँ ब्लश। तो ब्लश में मैंने ये थोड़ा सा डार्क पिंक और हल्का पिंक भी मैंने अप्लाई किया, बहुत ही हल्का हल्का सा ब्लशर मैंने अप्लाई किया, क्योंकि ये डे वाला मेकअप है। डे वाला मेकअप में मैं अगर ज़्यादा रेड रेड कर लूँगी अपने चीक्स को तो बहुत ही थोड़ा वियर्ड लगेगा, इसलिए मैं नहीं करूँगी। ये मैंने हल्का हल्का सा अप्लाई किया अपने हेड पर भी अप्लाई किया है। और इसलिए मैंने यहाँ पर हाइलाइटर अप्लाई किया, लिक्विड हाइलाइटर लिया है मैंने, हल्का हल्का सा अप्लाई ड्रॉप ड्रॉप करके ऐसे अपने और यहाँ अपनी नीचे भी किया मैंने। अब मैं इसको हल्के से यहाँ कर लेती हूँ। अब मैं लिपस्टिक मैंने लगा ली है रेड कलर की लिपस्टिक, लिक्विड वाली लिपस्टिक लगाई है, क्योंकि मैं यहाँ पूजा के लिए रेडी हो रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ रेड कलर की लिपस्टिक अप्लाई की है। तो देखिए ये रेड कलर की लिपस्टिक कितनी ही अच्छी लगती है। न्यूली ब्राइड्स जो है वो भी ऐसा मेकअप कर सकती है, उसके लिए भी ये मेकअप वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए मेरा ये मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है। ये मैंने लिक्विड लिपस्टिक को बहुत ही अच्छे से लगाया है, बहुत ही ध्यान से देखिए मैंने किस तरीके से अपना ये टोटल मेकअप किया है। तो आप भी देखिए, ये है मेरी शादी की सिंदूर और ये तो बहुत ही पुरानी दिख रही है। देखिए मैंने ये रेड वाला सिंदूर अप्लाई कर लिया है। अब मैं यहाँ पे शादी की सिंदूर लगा रही हूँ। अब मैंने ज्वेलरी पहन ली है, देखिए ये मेरे शादी के टाइम की सिंदूर है जो बहुत ही पुरानी हो गई है, मैंने अभी भी संभाल कर रखी हुई है। अब मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया है ये, तो देखिए अब मैं यहाँ सेटिंग स्प्रे मेकअप सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि मेकअप आपका लंबे समय तक टिका रहे। लंबे समय तक यानी कि 4-5 घंटे ऑलमोस्ट गर्मी में अच्छे से रह लेगा इसे लगाने से। तो ये मेरा फुल मेकअप कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ कोई काजल अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे गर्मी लगती है बहुत, गर्मी में मेरा काजल फैल ना जाए, इसलिए मैंने नहीं अप्लाई किया है दिन में।
और ये मैं ज़्यादा कहीं बाहर जा नहीं रही हूँ, बस मैं तो हल्के से यहीं बगल में पूजा करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने ये मेकअप किया है। तो मैंने ये अपनी शादी वाली चुनरी अप्लाई की है, देखिए मैंने ओढ़ी है। कैसा लग रहा है ये मेरी मेकअप वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये बताइए कि मेरी ये शादी की ये चुनरी अच्छी लग रही है आपको या नहीं। ये मेरी नथ पे वीडियो अच्छी लग रही है या बिना नथ वाली, तो किस पर मेरा मेकअप लुक ज़्यादा अच्छा आ रहा है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स करके कि मेरा ये मेकअप वीडियो कैसा हुआ। अब ये शादी की चुनरी थोड़ी पुरानी डिज़ाइन की हो गई, आप लोगों को थोड़ा पुराना लग रहा होगा, लेकिन ये मेरी वेडिंग की चुनरी है।